कौन से हैं जो आपके बैचिंग प्लांट को रखना चाहिए जिससे कि आपके प्लांट को ब्रेकडाउन होने से रोका जा सकता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो आइए जानते हैं टॉप 10 इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट्स फॉर बैचिंग प्लांट। फर्स्ट वन इज प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर दोस्तों एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके बैचिंग प्लांट को मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बिना आप अपने बैचिंग प्लांट्स को रन करवा ही नहीं सकते। इसके लिए एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स में प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स को जरूर अपने बैचिंग प्लांट पे स्पेयर पार्ट्स में रखें। सेकेंड वन लोड सेल। जैसा कि अगर आपने बैचिंग प्लांट देखा होगा तो आप ये भी जानते हैं कि लोड सेल की बैचिंग प्लांट में क्या इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप लोड सेल को हमेशा अपने बैचिंग प्लांट पे स्पेयर पार्ट्स में रखें। 1-2-3 लोड सेल आपके बैचिंग प्लांट में स्पेयर पार्ट्स में होने चाहिए। थर्ड वन अगर हम बात करें कॉपर वायर। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा बैचिंग प्लांट है उसमें इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैकेनिकल पार्ट्स लगे हुए हैं। इसके लिए कहीं से भी कोई भी फॉल्ट आता है आपके वायर में तो आप हमेशा कॉपर वायर्स अपने बैचिंग प्लांट के स्पेयर पार्ट्स में रखें ताकि कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े और आप इजीली अपने प्लांट को वायर के थ्रू कोई भी फॉल्ट आता है तो आप उसको रेडी कर सकें। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसको आप हमेशा अपने प्लांट पे रखें क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि बैचिंग प्लांट पे बहुत सारी MCBs लगी होती हैं। अगर कोई भी MCB शॉर्ट हो जाती है तो आप तुरंत नई MCB चेंज करके प्लांट को दोबारा से रन करवा सकते हैं। इसके लिए अपने प्लांट पे MCBs जरूर रखें। MCCB भी आप अपने प्लांट पे जरूर रखें क्योंकि कभी कभी होता ये है, मोस्ट ऑफ द टाइम कभी ऐसा होता नहीं है कि आपकी MCCB कभी जल जाए या शॉर्ट हो जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी MCCB भी ख़राब हो सकती है लॉन्ग लाइफ देने के बाद। इसके लिए MCCB भी आप अपने प्लांट पे ज़रूर रखें ताकि आपका प्लांट चले नहीं और कंटिन्यू आप प्रोडक्शन दे पाएँ। रिले, बात करते हैं रिले की। तो जैसा कि आप जानते हैं एज अ सेंसर रिले को हम कितना बैचिंग प्लांट्स में यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारे रिले हमारे बैचिंग प्लांट पे लगे होते हैं। इसके लिए हमेशा रिले को स्पेयर पार्ट्स में भी रखें ताकि आपका कोई रिले अगर वर्क नहीं कर रहा तो आप तुरंत चेंज करके प्लांट को कंटिन्यू कर सकें। कॉन्ट्रैक्टर, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कॉन्ट्रैक्टर आपके बैचिंग प्लांट्स पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कभी कभी इतना रन होने के बाद ये शॉर्ट भी कर जाते हैं। इसके लिए हमेशा कॉन्ट्रैक्टर अपने बैचिंग प्लांट पे जरूर रखें ताकि आपका प्लांट का प्रोडक्शन कंटिन्यू हो सके। पुश बटन एक इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है जो कभी भी ख़राब हो सकता है। इसकी कोई ऐसे हम कोई इसका लाइफ की बात नहीं कर सकते कि अभी चेंज किए तो अभी नहीं ख़राब होगा। पुश बटन हमेशा स्पेयर्स में रखें। NONC दोस्तों अगर हम बात करें NONC की तो NONC आप अपने बैचिंग प्लांट्स पे ज़रूर रखें क्योंकि NONC एक ऐसा इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है जो कभी भी ख़राब हो सकती हैं। ये DC वोल्ट पे चलती हैं, इसलिए आप NONC को ज़रूर रखें। मल्टीमीटर को आप अपने बैचिंग प्लांट पे नहीं रखे हैं तो रख लीजिए क्योंकि कभी भी आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आता है तो मल्टीमीटर से हम इजीली चेक कर पाते हैं कि फॉल्ट कहाँ पे है, इसलिए आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मल्टीमीटर को रखना। और आप अपने बैचिंग प्लांट पे मल्टीमीटर को ज़रूर रखें, इससे आप प्लांट की सेफ्टी भी कर सकते हैं और किसी भी फॉल्ट को ईजिली पकड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।